आप लोगों ने मेरी हर वीडियो में इस वाले माइक को तो लाजमी से ही देखा होगा, क्योंकि मैंने अपना कंटेंट क्रिएटर का जर्नी इसी माइक से स्टार्ट किया था। लेकिन आज के बाद आप लोगों को ये वाला माइक देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एक सबसे बड़ा अपग्रेड किया है, वो भी डायरेक्टली रोड के वायरलेस गो टू माइक पर। आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए शायद ही ये सबसे बड़ा अपग्रेड हो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग रईस खानदान से बिलोंग करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये सबसे बड़ा अपग्रेड इसलिए क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में यूज़ किया है बोया का डबल M1, जो कि तकरीबन आता है 2 से 3 हज़ार का। 2 से 3 हज़ार वाले माइक से डायरेक्टली जंप करना, वो भी 1 लाख के माइक पर, ये हर बंदे के लिए ईजी बिल्कुल भी नहीं होता, वो भी अपनी सेल्फ मेड इनकम के जरिए। अभी आप लोगों के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर मैंने इतना बड़ा अपग्रेड क्यों किया, जबकि मेरी वॉइस क्वालिटी तो बोया के माइक में भी अच्छी खासी आती थी। वैसे रीजंस तो बहुत सारे हैं जिसकी वजह से मैंने अपने माइक को अपग्रेड किया। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये एक वाइड माइक्रोफोन है, इसकी वजह से मुझे आउटडोर शूट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती, या तो मुझे एक्स्ट्रा फ़ोन से अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती थी, या तो कैमरा के इंटरनल माइक से, जिसकी वजह से मेरी वॉइस क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा नॉइस आती थी और मुझे वो वॉइस क्वालिटी पसंद भी नहीं आती थी। दूसरा मेन रीज़न ये है कि मुझे इस माइक को डायरेक्टली अपने PC के साथ अटैच करके अपनी वॉइस को PC में रिकॉर्ड करना पड़ता था, क्योंकि विदाउट एडिट इसकी क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा नॉइस आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग बन जाती है। और तीसरा मेन रीज़न, जब भी मैं अपनी वॉइस को इस माइक से डायरेक्टली अपने PC से रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो वॉइस मुझे अपने PC में अलग से एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, और उसी वॉइस को वीडियो के साथ एडजस्ट करने में मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इन तीनों चीज़ों की वजह से मुझे इस माइक से इस माइक पर शिफ्ट होना पड़ा।